Hi friend, this is Kesar and welcome to my channel Technical Mixup, and today I will discuss about order list. So what is order list? An order list displays a list of items using number or letter in either ascending or descending order. The OL tag is used to define an order list, where A is whereas the LI tag used to define the item of the list. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है या ओएल ये ओपनिंग टैग हो गया और ये ओएल क्लोजिंग टैग हो गया और यहाँ पर मैंने लिस्ट लिस्ट आइटम भी दिया है। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह 1 से स्टार्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम ए बी सी से भी ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रोम अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से अगर हम चाहते हैं कि हम 4 से स्टार्ट हो, 4 से भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम एट्रीब्यूट के जरिए सब कुछ हम कर सकते हैं, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट भी हैं। ये हो गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट टाइप स्टार्ट रिवर्स्ड टाइप में जब हम 1 दें, यहाँ पर जब हम इसको 1 दें तो क्या होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3। अगर टाइप में मैंने ए दिया, यहाँ पर मैंने ए दिया तो यह ए से स्टार्ट होता है ए बी सी इस तरह। अगर यहाँ पर मैंने स्मॉल ए दिया तो ये स्मॉल ए से स्टार्ट होगा ए बी सी। अगर यहाँ पर मैंने रोमन कैपिटल रोमन दिया, रोमन आई दिया तो ये आई से स्टार्ट होता है रोमन अदद में, और इस तरह ये स्मॉल रोमन अदद। इसके बाद स्टार्ट, ये स्टार्ट हमेशा न्यूमेरिक से होगा, इसको हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्ज करें 5 देता हूँ तो ये 5 से स्टार्ट होते हैं 5, 6, 7 इस तरह आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इसको दे सकते हैं। रिवर्स्ड इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मसलन यहाँ पर मैं रिवर्स लिखता हूँ मैंने रिवर्स लिखा, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ और मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। इसको मैं ख़त्म करो और यहाँ पर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, तो ये जब मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये 3, 2, 1 रिवर्स से स्टार्ट होता है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल में किस तरह होता है। दोस्तों ये मैंने पहले से कोड लिखा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3 इस तरह मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने इसी को इसके एट्रीब्यूट को वैल्यू 1 दिया तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने इसके एट्रीब्यूट को वैल्यू ए दिया, यहाँ पर मैंने आई दिया है रोमन के लिए, और यहाँ पर इसको रिवर्स कर दिया है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से सेव किया, अब यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट को वैल्यू 1 दिया था तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये वाला ये 1 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट को वैल्यू ए दिया तो ये ए से स्टार्ट हुआ ए बी सी ए से स्टार्ट हुआ, और यहाँ नीचे मैंने आई दिया था रोमन के लिए तो ये 1, 2, 3 इस तरह रोमन रोमन के लिए मैंने आई दिया था, और यहाँ मैंने इसको रिवर्स किया था तो ये 3, 2, 1 इस तरह। तो दोस्तों ऑर्डर लिस्ट में हम इसके एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं इस तरह। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।